हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो प्रमुख एवं अम्बाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव भारतीय पुलिस सेवा के दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में प्रतिदिन हरियाणा के प्रत्येक जिले में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव साहब के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा विद्यालय में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे और विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक करते हुए कहा कि युवाओं का सबसे प्रथम कर्तव्य शिक्षा ग्रहण करके देश के विकास में सहभागिता करना है, लेकिन कुछ युवा पथ भ्रष्ट होकर न केवल अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपितु अपने माता पिता की आशा को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। युवा देश की धरोहर होते हैं। युवाओं को सद्मार्ग दिखाना शिक्षकों और माता पिता का कर्तव्य है। कोई भी माता पिता और गुरुजन अपने बच्चों को नशा करने की शिक्षा नहीं देते, लेकिन कुसंग उन्हें नशे की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति नशे से बच जाता है तो वह जीवन में किसी भी चुनौती का सामना सरलता से कर सकता है। विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर बलविंदर कौर ने कहा कि वे प्रयास और हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यों से भली भांति परिचित है और उन्होंने एक युवक का नशा छुड़वाने में भरपूर सहयोग किया था। आज वह युवा पूर्ण रूप से नशा छोड़कर अपने परिवार को पाल रहा है। ये समाज को नशा मुक्त करने में अतुल्य योगदान है। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने जीवन में नशा न करने की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर प्रयास के सदस्य एवं समाज सेवी कर्मचंद उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार आदि भी मौजूद रहे।